तो बंधु बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा वकांडा फॉरएवर, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि वकांडा फॉरएवर के अंदर कौन है न्यू ब्लैक पैंथर। अब इस वीडियो के अंदर हम 6 ब्लैक पैंथर के बारे में बात करने वाले हैं, क्या सकते हो 6 दावेदार के बारे में बात करने वाले जो कि ब्लैक पैंथर का टाइटल ले सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं प्रूफ करके बता दूंगा कि कौन है रियल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दावेदार के बारे में। तो यहाँ पे अभी 5 दावेदार देख रहे हैं हम जो कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर का टाइटल ले सकते हैं। एक है यहाँ पे ब्लैक पैंथर की मम्मी, दूसरा है यहाँ पे सूरी, तीसरा है यहाँ पे नाकिया, चौथा है यहाँ पे ओके, और यहाँ पे पांचवा है हमारा अम्बाकू। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इतने सारे में से कौन है रियल ब्लैक पैंथर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मम्मी जी के बारे में, जो ब्लैक पैंथर की मम्मी है वो क्या ब्लैक पैंथर है। तो देखो वो ब्लैक पैंथर हो सकती है लेकिन वो है नहीं, क्यों वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखो एक कंट्री को यहाँ पे चलाने के लिए एक राजा का या एक रानी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अभी यदि वकांडा को हम देखें तो वकांडा का राजा मरने के बाद यानी कि टिचाला मरने के बाद वकांडा को संभालने के लिए कोई नहीं है। और ट्रेलर के अंदर भी हमने देखा है जो मम्मी जी है वो वकांडा को संभाल रही है, ना कि ब्लैक पैंथर बनके किसी से लड़ने जा रही है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो मम्मी जी है वो तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर हो नहीं सकती। तो दूसरा यहाँ पे दावेदार आता है अम्बाकू। अम्बाकू को हमने देखा था ब्लैक पैंथर 1 के अंदर भी कि वो बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दिया था टिचाला को। और हाँ सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे वकांडा फॉरएवर के अंदर हमें यही ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेलर के अंदर ब्लैक पैंथर को दिखाया गया है वो पतला दुबला ब्लैक पैंथर है, ना कि मोटा तगड़ा है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो अम्बाकू है वो बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा और मोटा है। और ट्रेलर में हमने देख लिया है कि वो एक न्यू अवतार के साथ नेमोर से लड़ने गया था, ना कि वो यहाँ पे अपना कह सकते ब्लैक पैंथर के सूट पहन के गया था। तो इससे ये कंफर्म तो हो जाता है कि अम्बाकू भी नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें ट्रेलर के अंदर लड़ते हुए देखा था अपने नॉर्मल सूट के अंदर, जो कि हमने देखा था ब्लैक पैंथर 1 के अंदर भी। तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि अम्बाकू भी न्यू ब्लैक पैंथर नहीं है। तो यहाँ पे बात कर लेते थर्ड दावेदार के बारे में। उससे पहले बहुत कोई ने मुझे बताया था कि उसके गले के अंदर भी सेम ही नेकलेस है जैसे कि ब्लैक पैंथर के गले में और एरिक किलमोंगर के गले में था, जिससे यहाँ पर ब्लैक पैंथर का सूट निकलता था, नैनो सूट निकलता था, तो वैसा ही था। तो यहाँ देखो ये वाला जो आपको नेकलेस देखने को मिल रहा है अम्बाकू के गले में, ये ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर भी है और ब्लैक पैंथर 1 के अंदर भी था। इससे ये कहना गलत होगा कि ये न्यू ब्लैक पैंथर का नेकलेस है। अब बात कर लेते थर्ड दावेदार के बारे में जो कि है ओके। ओके यानी कि जनरल, जो वकांडा की जनरल है, ये भी ब्लैक पैंथर हो सकती है ऐसा फैंस का मानना है। लेकिन सही में देखो तो ये यहाँ पे हो सकती है लेकिन ये भी ब्लैक पैंथर नहीं है। अब टेक्निकली देखो तो बहुत सारे कंट्री के अंदर ऐसा हुआ है कि राजा मरने के बाद या रानी मरने के बाद वो बन गए हैं राजा महाराजा, यानी कि जनरल्स भी बन जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो देखो पॉसिबल तो है कि ओके भी बन सकती है, लेकिन ऑफिशियल लुक उनका भी आ चुका है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से और उनसे ये कंफर्म हो गया है कि भाई ये भी ब्लैक पैंथर न्यू वाली नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ दावेदार के बारे में जो कि है नाकिया, टिचाला की गर्लफ्रेंड। यानी कि टेक्निकली देखो तो वो क्वीन है वकांडा का, क्योंकि किंग का गर्लफ्रेंड यहाँ पे क्वीन टेक्निकली हो ही जाता है। तो बहुत कोई का मानना है कि नाकिया टाइटल लेगी ब्लैक पैंथर का और वो जो टिचाला का बचा हुआ काम है उसको पूरा करेगी। लेकिन भाई साहब ये भी न्यू वाला ब्लैक पैंथर नहीं है, क्योंकि इनका भी फर्स्ट लुक आ चुका है। ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कि ये ग्रीन कलर के सूट में है और न्यू अवतार में है, तो ये भी न्यू वाली ब्लैक पैंथर नहीं है। तब आ जाता है आखिरी यानी कि हमारी लास्ट ब्लैक पैंथर की दावेदार जो की है यहाँ पे सूरी। अब मैं बता देता हूँ सूरी 110% न्यू ब्लैक पैंथर है। कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसका लुक देखो, इसका लुक देखोगे तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, इसने बाल काट लिए हैं और जो इसका सूट का लुक आया है जैसे कि देखते हो तो ये वाला लुक हमें देखने को मिला है। और ये वाला लुक देखोगे तो ये जो ट्रैक सूट है, ये जो पूरा सूट है वो सिमिलर है टोनी स्टार्क के सूट जैसा। कैसे मैं बता देता हूँ, तो यदि आपको याद होगा डॉक्टर स्ट्रेंज जब सबसे पहली बार मिलने जाते हैं टोनी स्टार्क से तो वहां पे वो एक ट्रैक सूट पहन के रखता है ब्लैक कलर में, और ये जो सूट है हमने देखा था इसका क्या काम है। जब भी उन्होंने नैनो सूट यहाँ पे पहनना स्टार्ट किया था तो उन्होंने दोनों तरफ से खींचा था, एक रस्सी टाइप का कह सकते हो खींचा था, टाइट किया था सूट को, और उसके बाद जो नैनो सूट था ऑटोमेटिकली इनके बॉडी के ऊपर चढ़ गया था, फैल गया था। तो इस सूट को आप यदि ध्यान से देखोगे तो जैसा नैनो सूट के लिए सूट पहन के रखना पड़ता है वैसे सूरी ने भी पहन के रखा है। तो मुझे तो हाई चांस लगता है कि यही है। प्लस यदि मैं सूट के बारे में बात करूं, जो ट्रेलर के अंदर हमें ब्लैक पैंथर दिखाया गया था उसको यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से उसके हाथ पे गौर करोगे वहां पे आपको ब्लैक पैंथर का फेस देखने को मिलेगा, पैंथर का फेस देखने को मिलेगा। और पैंथर का फेस सबसे ज्यादा यूज सूरी ही करती है, क्योंकि हमने ब्लैक पैंथर 1 के अंदर देखा था जो उसका हैंड में चलाने वाला गन टाइप का एक गॉन्टलेट टाइप का कह सकते हो ब्लास्टर था, उसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो वो भी पूरी तरह से ब्लैक पैंथर के फेस में ही, पैंथर के फेस में ही उसने बनाया था। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी पैंथर का ही फेस यूज किया गया है। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये सूरी ही है, ऊपर से ये पतला दुबला ब्लैक पैंथर भी है, तो इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये सूरी ही
की है। ऊपर से एक और बात मैं बता देता हूँ, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर ये वाला लुक आया है और यहाँ पे पुराना वाला लुक से बिल्कुल ही डिफरेंस लुक है सूरी का, और जो ब्लैक पैंथर 1 के अंदर था वो ये वाला लुक था। तो देख सकते हो लुक में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और जिस हिसाब से सूरी को डेवलप किया गया था ट्रेलर के अंदर दिखाया गया था, और जिस हिसाब से वो हाथों का गेस्चर कर रही है वो बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है टिचाला से। तो मुझे तो 100% यही लग रहा है कि सूरी ही आपको देखने को मिलेगा न्यू ब्लैक पैंथर के रूप में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और बहुत कई बोल रहे हैं कि अरे किलमोंगर भी आएगा, अब देखो वो एक कह सकते हो अफवाह भी हो सकता है, आ भी सकते या नहीं भी आ सकते, और जो भी होगा वो हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यदि उन पे मुझे कोई भी लीक्स मिलता है तो मैं बता दूंगा। अभी के लिए सूरी वाला लीक था तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो देखने के बाद कंफर्म हो गया होगा कि भाई कौन है न्यू ब्लैक पैंथर, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, एंड कीप वॉचिंग। सुपर डॉग, बाय।